Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास। एक तो बच्चों ने क्लास में आपके जो बुक है उसी का लेसन फर्स्ट पढ़ाएंगे, डर का सामना। बच्चों से पहले वाली वीडियो में हमने आपको इस लेसन का आधा मतलब इस लेसन को पूरा नहीं पढ़ाया था, आधा ही पढ़ाया था। आज हम इस लेसन को पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। इस लेसन में है क्या कि जो केशव है वो आधी आती है और बादल जब बरसते हैं पानी बरसता है उससे उसको बहुत डर लगता है। वो अपने आप को कमरे में जो है बंद कर लेता है और बहुत बुरी तरह से चीखने और रोने लगता है। केशव की एक फ्रेंड रहती है काशवी जिसका नाम रहता है, वो समझ नहीं पाती, मतलब उसको वो सोचती है कि ये कैसे क्यों ये ऐसा कर रहा है। तो काशवी जो रहती है केशव की माँ से पूछती, केशव की माँ बताती है कि बचपन में इसके साथ एक घटना हुई थी, इसी कारण से ये अंधेरे आधी तूफान से ये डरता है। तो काशवी जो है पूछती है केशव की माँ से कि क्या इसका कोई इलाज है। तो केशव की माँ बोलती है कि हाँ, हम इसको मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं और उसके अनुसार हम इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और मतलब खुद भी हम डरने की प्रेरणा देते हैं ताकि अपने डर से जो है सामना अपने डर का सामना ये कर सके। चलिए बच्चों, हमने आपको पास शरण बताया है, हम आगे आपको विषय को पढ़ाना शुरू करते हैं। उस दिन से केशव की माँ के साथ साथ काशवी भी खेल खेल में अपने मित्र को समझाने लगी। केशव और काशवी की माँ दोनों मिलकर केशव को अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करने लगी। उन दोनों के प्रेम और विश्वास के कारण केशव ने भी अपने मन में ठान लिया कि वह बारिश से डरने की बजाय उसका सामना करने का प्रयास करेगा। कुछ दिन बाद फिर बारिश आई। बच्चों हमने आपको बताया कि वो बहुत डरता था, तो काशवी बहुत परेशान रहती थी कि मेरा दोस्त कैसे ठीक होगा। तो वो अब इसके बाद जो है केशव की माँ के साथ साथ वो भी जो है केशव को इस डर का सामना से करने की उसको प्रेरणा देने लगी। तो धीरे धीरे केशव के मन में भी हमें लगा कि मेरी माँ और मेरी जो है दोस्त इतनी मेहनत कर रही है तो हम अब इस डर से छुटकारा पाएंगे। समझना, केशव के मन में खुद भी आने लगा कि हम इस डर से छुटकारा पाएंगे, हम इसे डरेंगे नहीं। पर जब थोड़ी देर बाद फिर बारिश आई, तो अब जब बारिश आई बच्चों, तो इस बार केशव भागा नहीं। पहले केशव भाग जाता था ना, आप लोगों को याद होगा। तो पहले केशव भागा नहीं, उसने क्या किया कि अपने हाथ से ऐसे हाथ फैलाया और उसके हाथ पे क्या पड़ी, बारिश की बूंदे पड़ी। तो जब बारिश की बूंदे पड़ी तो उसको जो वो फील हुआ जो उसको वो बहुत अच्छा लगा, मतलब तो बारिश की बूंदे उसके हाथ में पड़ी तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ। और जो ठंडी ठंडी बूंदे थी जब और पड़ने लगी केशव के ऊपर, तो केशव एक स्फूर्ति आ गई केशव के अंदर, एक ताजगी जैसा केशव फील करने लगा। और केशव के चेहरे पर आए भाव को देखकर काश्मीर से खुले मैदान के नीचे ले गई, मतलब जब काश्मीर ने देखा कि केशव जो है वो बारिश को टच भी बूंदों को टच भी कर रहा है और बहुत खुश हो रहा है, तो काश्मीर क्या की उसे खुले मैदान में ले गई। और पहले तो खुले मैदान जाने के बाद केशव घबराया, लेकिन फिर वो उसने क्या किया कि हाथ खोलकर वही बारिश का स्वागत करने लगा और पानी में कूदने लगा। ऐसा करने से छपाक की आवाज होती है, बच्चों आप लोग पानी में कूदते हो तो छपाक की आवाज होती है, छप्पर से आवाज होती है और कुछ छींटे भी आपके ऊपर उड़ते हैं पानी के। तो जब वो छींटे दोनों बच्चे भी ऐसा करने लगे, तो जब वो छींटे उड़ते थे तो केशव और काशवी जो क्या होते थे बहुत ही खुश होते थे और हंसने लगते थे। फिर दोनों ने नाव बनाई और वहां पे जो पानी भरा था गड्ढे में वहां पे उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन दोनों को बहुत ही मजा आ रहा था इस सब काम करने में। और केशव जो उसको उसने कभी सोचा नहीं था कि बारिश भी हमें इतना मजा दे सकती, क्योंकि बारिश से डरता था। जब वो खुद अपने डर से उसने विजय पाली और बारिश में जब वो खेलने गया तो उसे यह फील हुआ कि बारिश भी हमें इतना अच्छा फील करा सकती है और उसने अपने डर पर भी काबू पा लिया। वह बारिश में भीग रहा था तभी अचानक से जोर से बिजली कड़की, समझ में आया बच्चों, और बादल भी गरजने लगा। जब बारिश होती तो आप लोग जानते हैं कि बिजली और बादल जो है वो गरजने कड़कने लगते हैं। केशव फिर एक बार डरा, मतलब केशव थोड़ा सा वो घबराया और उसने आंख बंद कर ली। पर काशवी भी कहने पर उसने आंख खोली तो अपनी माँ को सामने पाया। केशव झट से उनसे लिपट गया, उन्होंने उन्हें संभाला और बरामदे में बैठा दिया। वहां बैठकर तीनों आसमान की ओर देखने लगे। माँ और काशवी की मदद से केशव एक बार फिर से बारिश का सामना करने लगा। वह बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट को देखने व सुनने लगा। बिजली चमकने पर आसमान में रोशनी छा जाती, उस रोशनी में गिरती हुई बारिश ऐसी लगती जैसे कोई आसमान में मोती बिखेर रहा हो। केशव उन मोती को इकट्ठा करने के लिए एक बार फिर बारिश में दौड़ा। बारिश का ऐसा सुहाना रूप देखकर केशव का मन रोमांचित हो उठा। वह झूम झूम कर नाच रहा था, ऐसा करने में उसे बहुत आनंद आ रहा था। आज सब केशव ने बारिश को केवल भय की नजर से देखा था, पर आज सब बदल गया, उसका डर सुमंतर हो गया। केशव को इस प्रकार बारिश का आनंद देते हुए देखकर उसकी माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने दोस्त को प्रसन्न देखकर काशवी बहुत प्रसन्न हुई।
समझ में आ बच्चों, हमने आपको बताया कि वो थोड़ा सा डरा था उसकी, फिर आंख बंद कर ली, आंख खुल के अपने माँ को पाया, माँ ने उसे संभाला, बरामदे में ले गई, उसे बरामदे में बैठा और फिर वो देखने लगा बारिश को। तो जब बिजली कड़क रही थी तो जैसे लग रहा था कि जब बिजली कड़की और तो उसमें उस रोशनी में जो बारिश की बूंदें पड़ रही थी, जैसे लग रहा था कि आसमान में किसी ने चारों तरफ जो है वो क्या कर दिया है, मोती बिखेर दिया है। फिर कुछ देर तो केशव जो था वो बारिश से बचने के लिए बैठा हुआ था उसके अंदर बरामदे में, लेकिन फिर वो क्या किया, बाहर चला गया और जाकर वहां पे खेलने लगा बारिश में। और उसको ऐसा करने में बहुत ही मजा आ रहा था, बहुत ही उसे अच्छा लग रहा था। और उसका डर जो था केशव का, वो बारिश का जो उससे जुड़ा उसका डर था, वो दूर हो गया था। यह देखकर काशवी और केशव की माँ जो थी वो बहुत ही खुश हो गई। चलिए बच्चों, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इस लेसन के बीच में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर हम बताते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 6 पे, 6 पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। इसमें है केशव ने किसकी चीख सॉरी काशवी ने किसकी चीख सुनी होगी, तो आप आंसर लिखेंगे काशवी ने केशव की चीख सुनी होगी। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, केशव ने खुद को कमरे में क्यों बंद किया होगा। केशव को बारिश से बहुत डर लगता था, इस कारण केशव ने जो है अपने आप को कमरे में बंद किया होगा। फिर बच्चों आइए आप लोग पेज नंबर 8 पे देखिए, ये देखिए, ये भी आपको यहाँ पे भी आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसमें है मनोचिकित्सक कौन होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, मनोचिकित्सक मन व दिमाग से जुड़े बीमारियों का इलाज करने वाले होते हैं। फिर बच्चों है क्या केशव इस बार अपने डर का सामना कर पाएगा, तो आप लिखेंगे आंसर हाँ, इस बार केशव अपने डर का सामना कर पाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आपको इसी लेसन का जी आओ करे एक पढ़ाते हैं। आओ करे एक क्या है बच्चों, राइट रॉन्ग है। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या राइट होगा क्या रॉन्ग होगा। केशव 13 वर्ष की थी और काशवी 13 वर्ष की थी और केशव 8 वर्ष की था, बच्चों ये आपका रॉन्ग होगा। फिर है शाम को जब बगीचे में खेल रहे थे तो अचानक से आंधी आ गई, ये बच्चों आपका राइट होगा। बारिश की बूंदों का स्पर्श पाकर काशवी बहुत खुश हुई, बच्चों ये आपका क्या होगा, राइट होगा। फिर है बारिश केशव ने अपने आप को रसोई घर में बंद कर लिया था, बच्चों यहाँ पर क्या होगा, रॉन्ग होगा, उसने अपने आप को कमरे में बंद किया था, रसोई घर में नहीं बंद किया था। फिर है केशव की माँ ने काशवी की बेचैनी को भांप लिया था, ये आपका क्या होगा, राइट होगा। फिर केशव के साथ घटी घटना के बारे में जानकर काशवी को बहुत दुख हुआ, ये आपका रॉन्ग होगा सॉरी राइट होगा, दुख हुआ था सॉरी सॉरी राइट होगा। फिर माँ उपचार के लिए केशव को मनोचिकित्सक के पास ले जाती थी, ये आपका राइट होगा। अपने दोस्त को पसंद देखकर काशवी बहुत खुश हुई, ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा क्योंकि वो खुश नहीं हुई थी, बहुत दुखी थी अपने दोस्त को पसंद देखकर, बहुत खुश थी, बहुत दुखी थी सॉरी, खुश नहीं थी, खुश थी। तो लास्ट वाला आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसके बाद बच्चों है ये देखिए, ये इसमें क्या करना है आप लोगों को, वर्ड दिए उसको आप उसके अब से मैच करना, जैसे स्वतः स्वतः क्या मतलब होता है, अपने आप, परामर्श मीन्स होता है बच्चों नहीं सांत्वना, सांत्वना मीन्स होता है बच्चों तसल्ली देना, परामर्श मीन्स होता है सलाह, स्फूर्ति मीन्स होता है बच्चों जोश, स्पर्श मीन्स होता है छुअन, सुरक्षित मीन्स होता है बच्चों ठीक, रोमांचित मीन्स होता है बच्चों खुश करने वाला, और प्रेरित मीन्स होता है हौसला बढ़ाना, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3, ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 3 बच्चों क्वेश्चन है, इसके आंसर हम आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है केशव और काशवी कौन थे, तो आंसर लिखेंगे बच्चों केशव और काशवी मित्र थे, ठीक है। फिर है काशवी ने क्या किया, काशवी ने बारिश में क्या किया, तो आप आंसर लिखेंगे काशवी ने हाथ हिलाकर बारिश का स्वागत किया, ऐसे हाथ हिलाकर बारिश का स्वागत किया था ना उसने। फिर है केशव का डर किस चीज से जुड़ा हुआ था, तो आप आंसर लिखेंगे केशव का डर अंधेरे से जुड़ा हुआ था, अंधेरे और बिजली की कड़क और बाजों की गड़गड़ाहट से जुड़ा हुआ था। फिर है केशव की माँ ने उसका डर दूर करने के लिए क्या किया, तो आप आंसर लिखेंगे केशव की माँ ने माँ उसका डर दूर करने के लिए उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाती थी और स्वयं भी उनकी सलाह से उसका डर दूर करने की उसको प्रेरित करती थी, समझ में आया। फिर है केशव ने अपने डर का सामना कैसे किया, तो आप लिखेंगे केशव ने अपने डर का सामना बारिश का की बूंदों को स्पर्श करके, बारिश में कूद करके और नाव चलाकर अपने डर को दूर किया, ठीक है बच्चों। इसके बाद है बच्चों ये देखिए, ये विलोम की डिफिनेशन दी गई है, हम आपको इसका लिटरेचर पार्ट लैंग्वेज पार्ट पढ़ा रहे हैं। ये देखिए ये विलोम शब्द की डिफिनेशन दी हुई है, विलोम शब्द क्या होते हैं बच्चों,
वे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब जो एक दूसरे का उल्टा बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आदर तो क्या होगा, अनादर, इच्छा, अनिच्छा, निंदा, प्रशंसा, उपस्थित, अनुपस्थित। ये देखिए ये कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए आपका ये दिया है पेज नंबर 12 पर, ये देखिए। फिर बच्चों आइए देखिए एक्सरसाइज नंबर 4, यानी आवकरे 4। आवकरे 4 क्या है बच्चों, इसमें ये देखिए ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन्हीं के विलोम आपको लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है नापसंद, तो क्या लिखेंगे आप उसका, पसंद। सेकंड है उजाला, क्या लिखेंगे, अंधेरा। फिर है थर्ड दुखी, क्या लिखेंगे, सुखी। फिर है असुरक्षित, क्या लिखेंगे, सुरक्षित। फिर है अशांत, क्या लिखेंगे, शांत। फिर है अविश्वास, क्या लिखेंगे, विश्वास। फिर बच्चों नीचे आइए एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 में भी आपको क्या करना है, विलोम ही लिखना है। जैसे आदर, क्या लिखेंगे, अनादर। इच्छा, अनिच्छा, उपस्थित, अनुपस्थित, सौभाग्य, दुर्भाग्य, प्राचीन, नवीन, ज्ञानी, अज्ञानी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम आपको इसी लेसन का जो संज्ञा पढ़ाते हैं कि संज्ञा क्या है। बच्चों संज्ञा की डिफिनेशन क्या है आप लोगों को पता है, चलिए हम बताते हैं संज्ञा की डिफिनेशन क्या है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, सॉरी किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, स्थान, भाव या वस्तु का नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो सुनिए, किसी प्राणी, स्थान, भाव या वस्तु के नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बच्चा संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताने वाले शब्द। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों, किसी समूह या जाति का नाम बताने वाले शब्द। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों, गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव या भाव का नाम बताने वाले शब्द, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 6, ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 6 भी क्या बच्चों, आपको खाली स्थान भरना है। जैसे वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान का नाम बताते हैं, क्या कहलाते हैं, आप क्या फिल करेंगे वहां पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है बच्चों, वे शब्द जो किसी समूह, जाति या का बोध कराते हैं, समूह या जाति का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। मतलब सेकंड में आप लोग जातिवाचक संज्ञा फिल करेंगे। फिर है थर्ड में बच्चों आप लोग भाववाचक संज्ञा फिल करेंगे। फिर है फोर्थ में आप लोग जातिवाचक संज्ञा फिल करेंगे। और लास्ट में आप लोग फिल करेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर बच्चों आओ करें साथ, ये देखिए एक्सरसाइज नंबर आओ करें साथ। आओ करें साथ क्या है बच्चों, ये देखिए ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में से आपको छांटना है कि कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक है, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है। इसी पैराग्राफ से छांट के आपको लिखना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लिखेंगे बसंत, होली, कृष्ण, ब्रिज। जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे बच्चों त्यौहार, नगरी और प्रकृति। भाववाचक संज्ञा लिखेंगे सौंदर्य, भाईचारा, आनंद और भाव। ये देखिए ये लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे करके आप लोगों को लिखना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए पेज को आइए पेज नंबर 16 पे, यानी 16 पे। ये देखिए ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको भाववाचक शब्द में कन्वर्ट करना है। जैसे कैसे करना है, जैसे है मोटा, तो क्या लिखेंगे भाववाचक संज्ञा की, मोटापा। फिर है सुंदर, तो क्या लिखेंगे, सुंदरता। फिर है चोर, तो क्या लिखेंगे, चोरी। फिर है बुरा, क्या लिखेंगे आप लोग, बुराई, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब आपका ये लेसन 1 डर का सामना ही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी लेसन, इसी बुक का जो सेकंड लेसन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों।